नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हम बाला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी 80 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो अम्बाला में सामने आए हैं। किन किन इलाकों से ये मामले हैं और कुल संख्या कितनी पहुंच गई है, बातचीत के लिए खुद सीएमओ कुलदीप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज कितने लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है? आज जो अभी तक मेरे को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, 84 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं पूरे अम्बाला जिले में, और इनमें से जो 43 केस हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। कुल केसों की संख्या अम्बाला में जो संक्रमित मामलों की संख्या वो 2191 पहुंच चुकी है, और जो एक्टिव केसों की संख्या वो 432 है, और आज तक जो डिस्चार्ज हुए हैं वो 1740 केस डिस्चार्ज हो चुके हैं और 19 डेथ हुई हैं अम्बाला जिले में। जो आज मामले सामने आए हैं उनमें 55 मामले अम्बाला सिटी से हैं, 13 मामले जो चौड़मसपुर नगल एरिया का है वहाँ उस एरिया के हैं, 9 मामले अम्बाला कैंट के हैं, 4 मामले मुलाना के हैं, 2 बराड़ा के हैं और 1 नारायणगढ़ का है। सर, सीरो सैंपलिंग भी करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, आज हमारी पूरी तैयारी है। आज हमने ट्रेनिंग भी की है अपने जितनी, हमने लगभग हमने 16 टीमें बनाई हैं। 16 टीमें बना के हम 2 दिन के अंदर पूरे जिले में लगभग 1000 के आसपास सैंपल लेंगे, और उससे ये भी एंटीबॉडी का पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन में कोरोना से की एंटीबॉडी आ चुकी है, और ये पता लग जाएगा कितने लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सर, ये जो सैंपलिंग है ये सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हो चुके लोगों की ली जाएगी या रैंडम? नहीं नहीं, ये आम पॉपुलेशन की, जो आम जनसंख्या की पॉपुलेशन वो ली जाएगी। हमने गाँव छाटे हैं पूरे जिले में, रैंडमली गाँव सेलेक्ट किए हैं, और उन गाँव से हमने ये भी एक गांव से 11 अलग अलग चारों कोने से हम सैंपल लेंगे। इसी तरह जो सिटी में 4 जोन में बांटा है और उसके भी हम 22 सैंपल अलग अलग उससे लेंगे, तो ताकि अभी यूनिवर्सल सैंपलिंग हो जाए पूरे जिले में और हमारे को अभी एक पॉपुलेशन का एक यूनिवर्सल कोहार्ट आ जाए, ताकि अभी हमारे को ओवरऑल पॉपुलेशन का एक पिक्चर आए कितनी अब तक इतने लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सर, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में लोगों को किन किन हिदायतों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, देखिए त्योहारों के सीजन के साथ साथ अभी थोड़े से जो फ्लू के केस हैं वो भी बढ़ने लगे हैं, और जो सीजनल फीवर है वो भी वो है, तो ऐसे में मेरे को जितने लोग किसी को भी सिम्टोमेटिक होता है वो सैंपल अपना जरूर दे, बाकी जो उसके घर वाले जो कॉन्टेक्ट हैं, अगर कोई भी कोरोना संक्रमित मान लो होम आइसोलेशन में है तो वो अपने आप को बाकी घर वालों के साथ ही जब तक उसका टाइम पूरा 17 दिन पूरे नहीं होते अपने घर में रहे। त्योहारों के सीजन में मेरे को ये है कि इस साल अभी अगर हम त्योहार थोड़े से कम फैनफेयर के साथ मना लेंगे, यानी कम उसके साथ मना लेंगे, कम गैदरिंग के साथ मना लेंगे, तो कोरोना से बचे रहेंगे। कोरोना संक्रमण आपको पता है कि दिन प्रतिदिन पूरे भारत में फैल रहा है, लगभग 60,000 से ऊपर पूरे देश में केस आ रहे हैं, हरियाणा में लगभग 750 के आसपास केस आ रहे हैं, और हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी आप जो हमारे पड़ोसी जिले हैं उनमें भी 150 से 250 केस रोज आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोरोना फैलेगा। तो त्योहारों के सीजन में लोग कम फैन फेर के साथ अगर त्यौहार मनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, होम क्वारंटाइन की अवधि भी सुनने में आ रहा है कि कम कर दी गई, अब कितने दिन रह गए? होम क्वारंटाइन की जो होम आइसोलेशन की अवधि वही 10 दिन के बाद वो 7 दिन और रहेगा, होम आइसोलेशन की अवधि वही 17 दिन है। हाँ, ये है, ये जरूर किया गया है कि जो क्वारंटाइन जोन बनाते थे वो उसमें लास्ट केस के बाद 14 दिन तक है। वो अगर मान लो कोई भी सेक्टर है या कोई मोहल्ला है उसमें आज एक केस आया है तो उसके 14 दिन तक कोई केस नहीं आता तो हम उसको क्वारंटाइन जोन से मुक्त कर देंगे। तो ये थे अम्बाला के सीएमओ कुलदीप सिंह, जिन्होंने खास तौर पर बताया कि त्योहारों के सीजन में आप अपना ध्यान किस तरह रखें, और आज जो है वो 80 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है अपना और अपने आसपास के जो लोग हैं उनका ध्यान रखने की हिदायतें स्वास्थ्य विभाग लगातार आपके सामने जारी कर रहा है। फेस मास्क की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की बात हो, कफ एटिकेट्स की बात हो, हर तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है, लेकिन जरूरत है तो खुद जागरूक होने की। बहरहाल अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।